देश भर में इस वक्त कहीं सीटों पर उपचुनाव हो रहे, वहीं आपको दे पंजाब के जालंधर लोक विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरे दमदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया गया। लेकिन अब बड़ी खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी को शिरोमणि अकाली दल ने भी समर्थन दे दिया। दरअसल आपको शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार ने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को अकाली दल ने समर्थन देने की सूचना मिल रही। इस बात की जानकारी खुद बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिए और साथ ही आपको जिले श्रोमणी अकाली दल को समर्थन देने को लेकर धन्यवाद भी व्यक्त किया। श्रोमणी अकाली दल ने आपको जिले बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया है। जालंधर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया गया है। वहीं आपको चले बहुजन समाज पार्टी को अब शिरोमणि अकाली दल का भी समर्थन मिल चुका था। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अभी यहां पर उपचुनाव में काफी ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी भी खलबली मचती हुई दिखाई दे रही। अब कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की आपको सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भगवत मान भी काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे। वहीं आपको अकाली दल के प्रमुख सुखवीर सिंह बादल ने इस बात की जानकारी दी है कि अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आपको चले तो जालंधर लोक चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बैठक भी बुलाई थी, जहां पर पंजाब के तमाम नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया यहां पर। और अब बड़ी खबर आई जहां पर श्रोमणी अकाली दल ने भी बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया, तो कहीं ना कहीं यह बड़ी खबर निकल कर आई है। और जसवीर सिंह गड्ढी ने भी आपको श्रोमणी अकाली दल का यहां पर धन्यवाद व्यतीत किया है।